Good morning class and welcome to next lecture of operation management. तो क्लास इस लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है प्रोसेस स्ट्रेटजी एंड आई थिंक आपकी बुक में दिस इज चैप्टर नंबर 6। आई जस्ट चेक, चैप्टर नंबर 7 आपकी बुक में, ठीक है। सो इट्स चैप्टर नंबर 7 प्रोसेस डिजाइन। या इसको प्रोसेस स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम प्रोसेसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस क्या चीज़ होती है, ठीक है। प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में, किसी भी चीज़ को बनाने में वी हैव टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। प्रोसेस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। लेट्स से आपने घर में केक बनाना होता है, ठीक है। तो उस केक बनाने के लिए यू गो थ्रू अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। तो केक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स जमा करेंगे, ठीक है। लाइक आपको बेकिंग पाउडर चाहिए, शुगर चाहिए, ठीक है, मे बी कुछ क्रीम चाहिए होगी, ठीक है। उन सबको हम मिक्स करेंगे, ठीक है। सो क्या यू कैन से दैट मिक्सिंग योर इंग्रेडिएंट्स इज सेट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। यानी कि आपने बेकिंग पाउडर डाला, उसमें शुगर मिक्स की, ठीक है। ये सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होगी। बेकिंग पाउडर को लेट्स से किसी पॉट में डालना, ठीक है, उसमें शुगर मिक्स करना, फिर उसमें लेट्स से कोई और चीज़ मिक्स करना, ठीक है। तो ये थ्री डिफरेंट एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं, इन तीनों एक्टिविटीज़ को अगर हम कंबाइन कर लें तो हम इसको एक नाम दे सकते हैं। हम कह सकते हैं दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इन्ग्रीडियंट्स, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि जिस चीज़ से खाना बनता है तो उसको हम इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं। तो हम डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करेंगे तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और इन सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर लेंगे तो एक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो लास्ट प्रोसेस केक बनाने में वो है बेकिंग, ठीक है। आप फाइनली क्या करेंगे, सारी चीज़ें मिक्स वगैरह करके आप केक को ओवन में रख देंगे और बेक करेंगे। सो इसमें देर विल ओनली बी वन एक्टिविटी, ठीक है। बेसिकली मेन एक्टिविटी एक ही होगी, विच विल बी बेकिंग, ठीक है। और उसको आप प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। सो द फाइनल प्रोसेस इज बेकिंग एंड द प्रोसेस ऑफ बेकिंग इन्वॉल्व ओनली वन एक्टिविटी, ठीक है। उसमें आप उसको ओवन में रख के बेक ही कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर गाड़ी बनती है, ठीक है, किसी फैक्ट्री में गाड़ी बनती है तो इट गोज थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। गाड़ी बनाने के लिए सबसे पहले गाड़ी की बॉडी तैयार होती है, ठीक है। गाड़ी की बॉडी तैयार होती है, फिर उसका इंजन अलग से तैयार होता है, ठीक है। फिर गाड़ी की सीट्स अलग से तैयार होती हैं, उसका जो डैशबोर्ड वगैरह होता है, स्टीयरिंग है, वो अलग से तैयार होता है, ठीक है। फिर उसके व्हील्स अलग से लगाए जाते हैं गाड़ी में, ठीक है। तो यू कैन से दैट गाड़ी की बॉडी बनाने में डिफरेंट एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की बॉडी बनाने में यू विल हैव टू डू सम डेंटिंग करनी पड़ेगी, कुछ पेंटिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो कह सकते हैं डेंटिंग एंड पेंटिंग इज या डेंटिंग एंड पेंटिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसमें कुछ और एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। डेंटिंग को मिला लें, पेंटिंग को मिला लें, ठीक है, और दूसरी एक्टिविटीज को भी मिला लें तो यू विल हैव द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द बॉडी ऑफ कार, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बॉडी ऑफ कार, ठीक है। इन डिफरेंट एक्टिविटीज से मिला के गाड़ी की बॉडी बनाने का प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे प्रोसेस होते हैं, लाइक गाड़ी की बॉडी में इंजन फिट किया जाता है, ठीक है। उसमें भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हुई, ठीक है। मे बी आप कार्बोरेटर पहले फिट करेंगे, फिर आप बाकी इंजन के कॉम्पोनेंट्स फिट करेंगे, ठीक है। तो सारी एक्टिविटीज़ को मिला के यू कैन मेक इट वन प्रोसेस, और वो प्रोसेस होगा द प्रोसेस ऑफ इंजन फिटिंग, ठीक है, कह सकते हैं। उसके अलावा इसी तरह फिर गाड़ी का इंटीरियर होता है, उसमें आप गाड़ी में इंटीरियर में आप सीट्स फिट करते हैं, ठीक है। ये एक एक्टिविटी होगी, सीट्स फिट करना। उसके अलावा ये भी आप गाड़ी की अंदर से पॉलिशिंग करेंगे, दैट इज़ वन एक्टिविटी, ठीक है। गाड़ी में हो सकता है आप सीट कवर्स भी लगा लें, ठीक है, दैट इज़ अनदर एक्टिविटी, ठीक है। सो इन सब एक्टिविटीज़ को मिला के सेपरेटली इन सब एक्टिविटीज़ को मिला के यू कैन गिव इट द नेम ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। उस प्रोसेस को आप कह सकते हैं
फिटिंग द इंटीरियर ऑफ अ कार, ठीक है, इंडिया इंटीरियर फिटिंग कह सकते हैं, ठीक है, वो एक प्रोसेस आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे सारे प्रोसेसेस को जब यानी कि जब गाड़ी बनती है तो इन डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू गुजर के बनती है, ठीक है। इस तरह नहीं होता कि सारी गाड़ी के पार्ट्स एक दफ़ा इकट्ठे कर दिए जाते हैं, ठीक है, प्रोसेस बाय प्रोसेस हम चलते हैं, ठीक है। यानी कि पहले एक प्रोसेस की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, वो कंप्लीट होती हैं, फिर हम अगले प्रोसेस की एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर वो कंप्लीट होती हैं, तो फिर अगले प्रोसेस की तरफ, ठीक है। सो दिस इज़ अ बेसिक आइडिया के प्रोसेस क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो इट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस, ठीक है। सर्विस बेस्ड बिजनेस में भी प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आप हेयर कटिंग को देखें या बार्बर शॉप के बिजनेस को देखें, ठीक है, तो जब बाल काटता है नहीं तो ही ऑल्सो गोज थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं किस तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लड़कों की बात करूं तो अगर किसी ने लेट से बिल्कुल गंजा होना है, ठीक है, लाइक बॉल्ड होना है, बिल्कुल सारे बाल साफ करने सर, ठीक है, तो उसके लिए भी जो बार्बर है वो ए विल गो थ्रू नंबर प्रोसेस, ठीक है। पहले हो सकता है वो आपके बाल थोड़े से ट्रिम करे, पीछे से ट्रिम करे, आपके जो कलमे इनको ट्रिम करे, ठीक है, एंड ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारे बाल आपके कह सकते हैं शेव करना शुरू कर, ठीक है। तो हेयर कटिंग को यू कैन डिवाइड दैट इनटू डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। लाइक समटाइम्स बार्बर्स क्या करते हैं कि आपके बालों में कुछ मालिश वगैरह भी करते हैं, तेल की या क्रीम वगैरह लगाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द हेयर कटिंग, ठीक है, तो उसको आप डिफरेंट प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरे सर्विस बेस्ड बिजनेस में प्रोसेस होते हैं, ठीक है। आप किसी आम दुकान पर जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो करियाने की दुकान होती है उसमें चीज़ें बड़ी होती हैं, ठीक है। आप जाते हैं, दुकानदार कहते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, दुकानदार क्या करता है, आपसे ऑर्डर लेता है, ठीक है। तो इसको हम एक और प्रोसेस कह सकते हैं, ऑर्डर टेकिंग का प्रोसेस। फिर जाके चीज़ ढूंढता है अपनी दुकान में, उसको चीज़ मिल जाती है, ठीक है, तो चीज़ ढूंढना और उसको फिर उसकी प्राइसिंग करता है कि कितने की है, इस चीज़ ढूंढने को भी हम एक प्रोसेस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर जब वो चीज़ ढूंढ के लाता है, फिर उसकी प्राइस फिक्स करता है कि इसकी कितनी प्राइस है, ठीक है, उसको भी हम एक प्रोसेस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दैट जो किराने की दुकान है, जब कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं, दे गो थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेस, जिसके बाद जो ऑर्डर कम्प्लीट होता है, ठीक है। सेम गोज फॉर फास्ट फूड, ठीक है। तो दिस इज जस्ट टू गिव यू सम आइडिया अबाउट प्रोसेस क्या होते हैं। दिस चैप्टर विल बी लिंक्ड वी टॉकिंग अबाउट, इसके थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या हमारे पास, डिस्क्राइब फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, यूज द टूल्स ऑफ प्रोसेस एनालिसिस, डिस्क्राइब कस्टमर इंटरेक्शन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो वी विल बिगिन विद प्रोसेस स्ट्रैटेजी को डिफाइन करेंगे, बेसिकली इस चैप्टर का जो फोकस है प्रोसेस स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। यानी किस तरह की प्रोसेस स्ट्रैटेजी एक कंपनी बना सकती है, ठीक है। प्रोसेस स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली, प्रोसेस स्ट्रैटेजी इज एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच टू ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका है कि इनपुट्स जो रिसोर्सेज होती हैं उनको आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, इसी को हम प्रोसेस स्ट्रैटेजी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो इनपुट या रिसोर्सेज कंपनी के पास है, उन रिसोर्सेज को एक फाइनल आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना, उसको हम कहते हैं प्रोसेस स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसी तरह के गाड़ी के डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स आपकी रिसोर्सेज हो गई और उसका फाइनल आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना, फाइनल आउटपुट क्या होगा, कंप्लीट का, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस स्ट्रैटेजी। ठीक है, प्रोसेस स्ट्रैटेजी देयर मेनली फोर टाइप्स ऑफ प्रोसेस स्ट्रैटेजी। पहली जो प्रोसेस स्ट्रैटेजी, इसका फोकस होता है प्रोसेस फोकस हम कहते हैं, ठीक है, इसका फोकस प्रोसेसेस के ऊपर होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं प्रोसेस फोकस, ठीक है। प्रोसेस फोकस क्या होता है, जो प्रोसेस फोकस स्ट्रैटेजी है आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत इस्तेमाल होती है,
स्पेशली बिजनेसेस हो गए, जैसे गाड़ियाँ बनाने का बिजनेस हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था कि गाड़ियों की जो फैक्ट्री होती है उसमें असेंबली लाइन यूज़ होती है, ठीक है। तो जिन जिन फैक्ट्रीज में असेंबली लाइन इस्तेमाल होती है वहाँ पर प्रोसेस फोकस इस्तेमाल होता है। असेंबली लाइन क्या होता है? आप बेसिकली किसी भी चीज़ को बनाने के लिए दे आर प्रोडक्ट गोज थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। उन प्रोसेसेस के थ्रू गुजर के फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। प्रोसेस की मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ। अगर लेट्स से गाड़ी बनाने की फैक्ट्री है तो गाड़ी बनाने में कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, मैं उसकी एग्जाम्पल दे चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। लाइक गाड़ी की बॉडी पहले बनती है, फिर उसका इंजन फिट होता है, सो ऑन, ठीक है। सो प्रोसेस फोकस इज यूज इन प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑर्गेनाइज अराउंड प्रोसेस टू फैसिलिटेट लो वॉल्यूम हाई वराइटी प्रोडक्शन, ठीक है। जिस तरह की असेंबली लाइन होती है वहाँ पर प्रोसेस फोकस इस्तेमाल होता है, और जो प्रोसेस फोकस है वो इस तरह के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा कामयाब रहता है विच आर लो वॉल्यूम एंड हाई वैरायटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि उन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है विच आर प्रोड्यूस्ड इन लो वॉल्यूम, यानी कि लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं और हाई वैरायटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों की ले लें, ठीक है, सुजुकी एक गाड़ी है, ठीक है, डिफरेंट तरह की गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर, सो सुजुकी तो नहीं, टोयोटा को ले लें, ठीक है, टोयोटा एक गाड़ी है, डिफरेंट तरह की गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स की, ठीक है, हर मॉडल जो है वो तो डिफरेंट है दूसरे मॉडल्स। तो आप कह सकते हैं टोयोटा की कार्स में वैरायटी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि टोयोटा कंपनी जो है बहुत बड़ी क्वान्टिटी में गाड़ियाँ प्रोड्यूस करें, लेकिन छोटी क्वान्टिटी में प्रोड्यूस कर सकती है, बट इट वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट मॉडल्स, तो आप कह सकते हैं वरायटी किसी हद तक हाई है, ठीक है। उससे भी अच्छे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कपड़ों की ले लें, ठीक है। अगर आप बॉयज़ की अगर बात करें, कोई शर्ट खरीदने किसी दुकान में जाते हैं, ठीक है, तो शर्ट्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। स्पेशली किसी शॉप में जाएं तो दे आर नॉट नेसेसरी देना है वेरी लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन आपको कुछ कई जगहों में वैरायटी बहुत मिल जाएगी, ठीक है। शर्ट एक ही होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट कलर्स होंगे, थोड़ा सा कपड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, स्टाइल थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, ठीक है। लो वॉल्यूम होगा, ठीक है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बट देयर विल बी हाई वैरायटी, ठीक है। तो इस तरह के बिजनेसेस में प्रोसेस फोकस बहुत कामयाब रहता है, ठीक है। उसके अलावा प्रोसेस फोकस फैसिलिटीज होती है, यानी कि उस तरह की जगह या उस तरह की फैक्ट्री जहाँ पर प्रोसेस फोकस इस्तेमाल होता है, इनकी वेरिएबल कॉस्ट आर लो, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट आर हाई, ठीक है, दे हैव हाई वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है, एनी कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस व्हिच वेरी विद कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी के साथ जो चेंज होती है। लेट्स से अगर आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, ठीक है, यानी कि आपने इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, जैसे क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी, ठीक है, उनको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की अच्छी एग्जांपल है लेबर कॉस्ट, ठीक है। आप जैसे ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे आपको ज़्यादा लेबर चाहिए होगा, लेबर कॉस्ट इंक्रीज करेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेपिटेटिव फोकस की तरफ, ठीक है। रेपिटेटिव फोकस क्या होता है? रेपिटेटिव फोकस इज अनदर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, इट्स अ प्रोसेस स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, रेपिटेटिव फोकस इज अगेन अ टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी व्हिच इज यूज्ड इन असेंबली लाइन, ठीक है, ठीक है। तो असेंबली लाइन्स अगेन आप बता चुका क्या होता है, ठीक है। तो कुछ असेंबली लाइन्स में जो है ना रेपिटेटिव फोकस बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। Some might use process focus, but repetitive focus is more common in assembly line. ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो इट इज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स, ठीक है।
मॉड्यूल्स को आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि अब यू कैन इमेजिन मॉड्यूल्स आर स्टेप्स, ठीक है। रेपिटेटिव फोकस को रेपिटेटिवली कहते हैं, इसमें चीज़ें बहुत रिपीट होती हैं, ठीक है। बहुत सारी टास्क या बहुत सारी एक्टिविटीज रिपीट हो रही होती हैं। अगर आप असेंबली लाइन में देखें तो दे आर फ्यू एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड और वही एक्टिविटीज बार बार रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है। यानी एक गाड़ी बनती है उसमें वही एक्टिविटीज परफॉर्म होगी, फिर नेक्स्ट गाड़ी जब बन रही है उसमें अगेन वही एक्टिविटीज रिपीट होगी, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट्स रेपिटेटिव फोकस में रेपिटेशन होती है ऑफ एक्टिविटीज, एंड इसका मॉड्यूलर फोकस है, ठीक है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्टेप्स, मॉड्यूल्स को यू कैन इमेजिन दैट एज नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। इसी तरह फास्ट फूड बिजनेस में भी रेपिटेटिव फोकस इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो फास्ट फूड बिजनेस है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है, उसमें भी देर इज अ लॉट ऑफ रेपिटेटिव फोकस, ठीक है। जैसे इमेजिन अगर आप किसी दुकान में बर्गर खाने जाते हैं, जैसे इमेजिन उस दुकान में कितने कस्टमर जाते होंगे, ठीक है। तो हर कस्टमर जो है बर्गर का ऑर्डर रिप्लेस करा है, और बर्गर बनाने में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है दे आर सेम, ठीक है। तो दे आर रिपीटिंग द सेम एक्टिविटी अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है नेक्स्ट प्रोसेस स्ट्रेटजी इज प्रोडक्ट फोकस, ठीक है। प्रोडक्ट फोकस को इन शॉर्ट हम कह सकते हैं द फोकस इज ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ठीक है। प्रोसेस के ऊपर इतना फोकस नहीं होता, मॉड्यूलर फोकस भी नहीं है, फोकस इज ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ठीक है। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ बेसिकली क्या होता है। प्रोडक्ट फोकस जो है फाइनल प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें जॉब शॉप्स का बड़ा इस्तेमाल होता है, इसकी थोड़ी सी हमने क्लास में शायद बात की थी पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसकी और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड थैंक यू सो मच।